नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं ट्विंकल वर्मा, कोल फिल्म मिरर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम का नाम CFM वीक है। कोल फिल्म मिरर आप सभी को एक सुनहरा मौका दे रहा है इस वीडियो में जुड़ने के लिए। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है, आप सभी अपनी स्वरचित कविता पाठ करते हुए उस नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। आइए अब कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की मेरी स्वरचित कविता का शीर्षक है लत शराब का। खुश मिजाज था मैं, सबसे अलग था मैं। खुश मिजाज था मैं, सबसे अलग था मैं। चार दोस्तों से मुलाकात हुई, एक शाम उनके साथ बैठक हुई। मैं सीधा साधा सा था, नशा नाम की चिड़िया को मैं नहीं जानता था। दोस्तों की खुशी दिख रही थी, दोस्तों की खुशी दिख रही थी, मना करने में मेरी इज्जत जा रही थी। दो घूंट मैंने लगाया था, सच कह रहा मैं उस वक्त अलग दुनिया में था। घर परिवार से बेखबर मैं नशे में डूबता गया। सबके मन को मैं दुखित करता गया। मैं जान रहा था ये सही नहीं मेरे लिए, फिर भी करीब होता गया, सब छूट गया शराब के लिए। डगमगाते मेरे कदम उन राहों पे चल रहे थे, जिसका कोई मंजिल नहीं था। आंखों में आंसू, दिल में हजारों गम, हाथ में शराब की खाली बोतल पर संभालने वाला कोई नहीं था। खोने को बचा क्या, शायद संगत का असर था। मैं फिर वो पुराने दिनों में खो गया। थोड़ी ही दूरी पर मंजिल थी, हाथों में मिठाई थी, परिवार भी संग थी। मैं अंदर ही अंदर खलता गया, सच कह रहा मैं जीते जी मरता गया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सीमा कश्यप, कोलफील्ड मिरर की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता का पाठ करने जा रही हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है एक बेटी। तो कविता प्रस्तुत है एक बेटी। एक बेटी गंगा की समान है, हर पल हर जगह इसकी अलग अलग नाम और पहचान है। बेटी उस सूर्य के प्रकाश के समान है, जो स्वयं अग्नि में जलकर संसार को प्रकाशित करती है। जो घर को स्वर्ग बना दे, बेटी वह अनमोल खान है। बेटी के बिना तो समस्त संसार बंजर भूमि के समान है। बेटी है तो हर घर हर आंगन में बसंत सी बहार है। बेटी से संसार का आधार है, तो फिर क्यों आज भ्रूण हत्या कर संसार में जन्म से पूर्व उसे मारा जाता है। हर राह हर सड़क हर गली में क्यों बेटियों के अस्तित्व के साथ खेलने के लिए आज बलात्कारी विराजमान है। बेटी हमारी शान है, बेटी हमारी मान है, फिर दूसरों की बेटी को हम क्यों करते नित दिन बदनाम है, क्यों करते उनके साथ दुष्काम है। रक्षा करो बेटियों का, आए दिन हो रहे भ्रूण हत्या, हो रहे बलात्कार, ना जाने कितनी बेटियों का। पुरुष प्रधान देश, स्वयं को मातृभक्त कहते हो, फिर क्यों तुम अपनी मां रूपी बेटी की हत्या करते हो। पृथ्वी के सृजन में जब समान भागीदारी है नर नारी का, फिर क्यों अल्ट्रासाउंड कर हत्या करते हो हम बेटियों का। बेटी से यह संसार है, बेटी के बिना इसका क्या आधार है। बेटी ही संसार की पालन करता है, फिर क्यों हर क्षेत्र में होती इसी की हत्या है। देनी पड़ती ना जाने इसे कितनी अग्नि परीक्षा है। धन्यवाद। नमस्कार,
मैं सनोबर सुल्ताना कॉलफील्ड मिरर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है सम्मान की भूख। सदियों से प्रताड़ित है नारी, पेट तो सदा से भरा है उसका, पर अभी भी भूखी है सम्मान की वह बेचारी। पहले तो करने पड़े कई कठिन संघर्ष उसे, और इस लड़ाई में छोड़नी पड़ी अपनी दुनियादारी। जो निकली पहचान बनाने वह आज, तो पड़ी बुरी नजर दरिंदों की, जो निगाह डाले तैयार थे बने शिकारी। ओ दरिंदे खेलना उसके बलिदान से, वह जो सम्मान पाना चाहती है केवल अपने परिश्रम और अपनी पहचान से, इसलिए उससे खेलने की जिद तो निकाल दे अपने ध्यान से। ओ दरिंदे खेलना उसके अरमान से, वह बेबस है झुकने को तेरे आगे, कुछ सपने लेकर अपने आंखों में, उनको भी जी लेने दे, दो पल अपनी जिंदगी शान से। ओ दरिंदे खेल न तू उसके अरमान से। भोली सी सूरत है उसकी, पर सही गलत की उसे पहचान है। तेरी हर इशारे को समझती है वह, कहां तेरे नजर में अश्लीलता और कहां उसके लिए सम्मान है। ओ दरिंदे खेलना उसके अरमान से, वह जो निकली है बनाने पहचान, तो तू एक नजर देख ले उसे भी सम्मान से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी गुप्ता प्राकर पश्चिम बंगाल की रहने वाली और काजी नजरू विश्वविद्यालय द्वितीय संस्कृत छात्र आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता पेश करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बंदी से प्यार की। ये कैसी बंदिशे तुमने लगाई, ना सो पाऊँ मैं ना रो पाऊँ, लाख समझाए दिल को रुक जा कहीं गलती ना हो जाए, संभल जा कहीं इकरार ना हो जाए, रुक जा कहीं प्यार ना हो जाए। लगा दी बंदी से सारे जहान ने, देख ली तमाशे सारे जहान की, अब तो रुक जा ठहर जा लगी है बंदी से प्यार में, रुक जा ठहर जा रोक ले अपने कदमों को कहीं लग ना जाए बंदी से इंतजार की। धन्यवाद। प्रणाम, मैं निशा कुमारी साव पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में रहती हूँ और मैं MA द्वितीय सत्र की छात्रिका हूँ। समाज में आज हर जगह बलात्कार, रेप, ये सब आम बात बन चुकी है। इसी के समक्ष मेरा शीर्षक है बलात्कार, जो मेरी स्वरचित कविता है जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह बहुत अच्छा लगे। कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं। क्यों मैं खूबसूरत हूँ अगर यह जो गुनाह है जो मुझे निहारती, क्या हर नज़र को मेरी चाह है। लड़की होना गुनाह है यहाँ, लड़की होना पाप है यहाँ, लड़की होना श्राप है यहाँ। क्या कलयुग में इंसान इंसान है यहाँ, या इंसानी रूप में तू रह रहा हैवान है। तेरी हैवानगी की हद से, ये जहाँ हैरान है। वह निकली थी अपने घर से, कैसे जा पहुँची वह कब्र रूपी बिस्तर पे। चिल्ला रही थी वह इस कदर, घर पे उसकी माँ उसकी राह तक रही थी प्यार भरी नज़र से। वह तो उड़ना चाहती थी जैसे उड़ती पतंग, काट दिया उस पंख को हैवानों ने, मार दिया इंसानियत को इंसानों ने।
अपने घर की वह इकलौती उम्मीद थी, अपने घर की वह इकलौती उम्मीद थी, अपने माँ बाप की वह जीत थी। काश आज ना आता, काश आज ना आता, क्योंकि कल तक वह एकदम ठीक थी। धन्यवाद।